नमस्कार, ट्रिक बायोलॉजी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं गजेंद्र कल्ला आज आपके लेकर आया हूँ न्यायपालिका। तो सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार का तीसरा सबसे बड़ा प्रमुख अंग माना गया है। तो सबसे पहले लेंगे न्यायाधीशों की संख्या। सन 2008 के अनुसार एक मुख्य न्यायाधीश सहित इनकी संख्या 31 कर दी गई है। दूसरा पॉइंट लेंगे न्यायाधीशों की योग्यता है। पहला पॉइंट आएगा कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए, या दो से अधिक बार न्यायालयों में 5 वर्ष से अधिक कार्य कर रहा होना चाहिए, या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए, या राष्ट्रपति की दृष्टि में वह कानून का ज्ञाता होना चाहिए। ये तो हुए अपने न्यायाधीशों की योग्यता। अब आता है महाभियोग कि मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग कैसे चलाया जाता है। तो संसद के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से इन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगर उसका आचरण गलत है तो उस पर अपने मुख्य न्यायाधीश को अपने पद से हटा दिया जाता है। वेतन और भत्ते, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीशों का जो वेतन है 2.80 लाख रुपए कर दिया गया है। अगला पॉइंट आता है उन्मुक्तियां। अगर मुख्य न्यायाधीश अगर कोई फैसला लेता है तो उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई भी प्रकार की आलोचना नहीं की जा सकती, चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी हो, आलोचना नहीं कर सकता। अगला पॉइंट आता है अपना कि मुख्य स्थान के अनुच्छेद 130 के अनुसार कि सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रधान कार्यालय कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। उसके बाद है प्रतिबंध कि मुख्य न्यायाधीश पर क्या क्या प्रतिबंध है कि वो पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात वो कोई भी वकालत नहीं कर सकता है। वर्तमान में बीजेपी से राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने इस प्रतिबंध को तोड़ा है, जो पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके साथ ही हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिक बायोलॉजी ग्रुप में।